ये स्टोरी है चार दोस्तों के बारे में जो कि निकले थे ग्वादर जीप रैली देखने के लिए, लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो गई तुर्बत में। हाँ जी, तुर्बत सिटी, जिसे न्यूज वाले बोलते हैं द मोस्ट डेंजरस सिटी इन बलूचिस्तान। पीछे खजूरों का दरख्त है, घास है, पानी बह रहा है। एक्चुअली मैं हूँ इस वक्त तुर्बत में। तुर्बत आने का मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मेरा प्लान इस तरह बना कि मैं जा रहा था ग्वादर जीप रैली के लिए और वहाँ पे मेरी गाड़ी होगी ख़राब तुर्बत के आसपास। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, 15 सब्सक्राइबर रीच आउट टू मी एंड ही सेड के जाजी भाई आप यहाँ पे आ जाएं, हम आपकी गाड़ी भी ठीक कर देंगे और आपको इनवाइट करते हैं। उस टाइम पे मेरा कोई मूड नहीं था तुर्बत में रहने का। पीछे शेरजान भाई हैं, इनकी बदौलत जो है हम लोग ग्वादर तक पहुँचे। इनके दोस्तों के सबके फ्रेंड्स जो हैं उनके मुताबिक हम लोग वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की और हम लोग पहुँच गए। इन्होंने कहा जिस तरह आप वहाँ से ग्वादर से फ्री होंगे आपने यहाँ पे लाजमी आना है और हम आपको दिखाएंगे कि जो तुर्बत है वो कैसा है, यहाँ पे क्या क्या हम लोग किस तरह पिकनिक मनाते हैं। तो मैंने कहा मुझे यहाँ पे लाजमी आना है और मैं आज यहाँ पे आया हूँ और अभी स्टार्ट ही हुआ सब कुछ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। आज हम आए हैं रिसर्च फार्म में, जाजी भाई को एक छोटा सा पिकनिक दोस्तों ने दिया है, बहुत मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं। और मेरे लिए खुशी की बात है कि जाजिब भाई तो बस पहली बार आए और पहली बार व्लॉग बना रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। लेकिन यहाँ आके बहुत नई चीज़ें ट्राई करने को मिल रही है, जैसे कि पानी, ये देखें पानी 200 ml का पानी, एक घूंट में पानी ख़त्म। यानी सबसे बड़ा मसला ये है, ये देखो इतना सा बोतल इस मुँह में जाएगा तो पता तो कुछ नहीं लगेगा ना भाई। ये देखो ईरान वालों के लिए ये हमारा मुँह के हिसाब से बोतल बनाओ भाई, ये मुँह बहुत बड़ा है, ये बग्गा ऐसे नाम नहीं डाला है, इस मुँह के हिसाब से डाला है। यार यहाँ पर हम लोग भाइयों के साथ आए हैं और इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अरेंज किया हुआ है सारा सज्जी वज्जी का, बड़ा मज़ा आ रहा है सीन का। सर आज हम बना रहे हैं एक रोस्ट और सज्जी बना रहे हैं, बारबेक्यू चावल। पैरों से बहुत बू आ रहा था, 4 दिन से एक बूट पहने एक जुराबे था बस, गरीब लोग के जानी बस अभी आया पैर दूर है, इधर ठंडा पानी है, नेचुरल पानी। यार ये है कलेजी, कलेजी वैसे मैंने कभी खाई नहीं है, लेकिन ये किफा भाई ने बनाई है, किफा दोस्त ने, और ये इतनी मज़े की है ना मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका क्या टेस्ट है। जल्दी से ये कलेजी मेरे मुँह में बहुत मज़े की, सच में बहुत मज़े की, पहली दफ़ा कलेजी का बारबेक्यू खा रहा हूँ किफा भाई के हाथ का, और मुझे अपने बारबेक्यू के अलावा कोई नहीं पसंद आता, लेकिन किफा भाई के हाथ का बारबेक्यू बेस्ट है। ब्लॉगरों को दे दो, उनको समझाओ कि व्लॉग कैसे बनता है, ठीक है जी। अभी तक ये व्लॉग नहीं बनाते हैं, ये टमाटर काटते हैं और ये प्याज काटते हैं, समझो यही करते हैं। इसके चार क्या है ना आसमान की तरफ, उसके चार हैं ऐसा, अगर 100 पे पहुँच जाए तो इतने ज्यादा खजूरों के दरख्त मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे अपनी लाइफ में। कि अच्छा ये भी होता है, यहाँ के मुझे पता चला कि डेट फार्मिंग भी कोई चीज़ है, मतलब खजूरों की फार्मिंग होती है यहाँ पे। मुझे लगता था बस दरख्त होंगे खजूरें तोड़ी और बस, लेकिन यहाँ पे ये पूरा जो फार्म है ये खजूरों का है, और तुर्बत जो है वो अपनी खजूरों की वजह से फेमस है, क्योंकि यहाँ की जो खजूर है वो वर्ल्ड फेमस है। और तुर्बत जो है वो एक और चीज़ के लिए भी फेमस है, वो है अपनी गर्मी की वजह से। तुर्बत जो है वो सबसे हॉटेस्ट एरिया है बलूचिस्तान में, गर्मियों में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो यार यहाँ पर बन रही है ट्रेडिशनल बलोची सब्जी जो बलूचिस्तान में बनाई जाती है, जो बलूचिस्तान की बहुत मशहूर डिश है, तो वो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर अपने सामने बनते हुए, सही खुद बनाते हुए देख रहे हैं, भाई बना रहे हैं यहाँ पर। उन लोगों ने बकरे को काट के, ठीक है कहते हैं इसके गोश्त को प्रॉपर पानी के अंदर डाल के नहीं धोया जाता, जस्ट ऊपर से पानी थोड़ा सा डाल के उसको साफ़ किया जाता है, ऊपर नमक लगा के और आग के सामने रख दिया हुआ है, और ये स्लो 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 इसी आग पे ऊपर इसने जो सा ना बनना है।
ओके, हमेशा ये होता है कि तुर्बत के बोला जाता है कि तुर्बत में ये हो गया, तुर्बत में वो हो गया, तुर्बत में फलाना हो गया, तुर्बत सेफ़ नहीं है, बलूचिस्तान में जो तुर्बत है वो सबसे डेंजरस एरिया है, पर ऐसा एक्चुअली रियल में नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया मैंने देखा यहाँ पे जो अमन है, सुकून है, जिस तरह अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई ख़तरा नहीं मुझे, मैं इन मिडल ऑफ नो वेयर हूँ, तो मुझे ये आके बहुत बुरा लगा कि लोगों को इसकी टूरिस्ट पॉइंट यहाँ के नहीं पता, लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे आना कैसे है, और काफ़ी दफ़ा न्यूज़ वाले डरा देते हैं कि तुर्बत सेफ़ नहीं है, तुर्बत में ये नहीं है, तुर्बत में वो नहीं है। तो मैं ये जो व्लॉग बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि मैं बताऊँ कि तुर्बत जो है वो कम्प्लीटली सेफ है। बहुत गर्म है लेकिन बहुत मजे भी है। भाई अब इसको पानी से बाहर निकालो, पानी में डाल दिया, अभी इसने निकलना नहीं है बाहर, ये पानी का जानवर है। अभी ये देखो सोटी रखी है, अब इसको पानी से बाहर निकल, बाहर निकल, नहीं निकल, बाहर बाहर निकल, बाहर निकल। मेरा नाम आमिर जान और मैं तुर्बत से ताल्लुक रखता हूँ। ये अभी बन रहा है, वो सब्जी बन रहा है, ये रोस्ट बन रहा है, ये इंशाल्लाह एक घंटे में तैयार होगा। इसमें काली सिर्फ नमक और साबुत गर्म मसाला लगेंगे और कुछ भी नहीं। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि तुर्बत आप जाएंगे तो आपका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि मैं कोयटा वाला हूँ, मैं सर्दी में रहता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है। मतलब अभी जो महीना चल रहा है वो अक्टूबर का महीना चल रहा है, कोयटा में जो हम लोग हीटर लगा रहे थे, यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह इस तरह पहनी हुई हैं, शर्ट्स पहनी हुई हैं, तो इतनी गर्मी नहीं है। गर्मी है, ये नहीं मैं कहता नहीं गर्मी, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है, रिलैक्स माहौल है। ओके, मैं जो हूँ वो काफ़ी जगह पे गया हूँ, काफ़ी जगह पे कैंपिंग की है, काफ़ी जगह पे खाना खाया, नोश की गया हूँ, हर जगह पे तकरीबन आधे से ज़्यादा जो बलोचिस्तान है वो मैंने कवर किया, लेकिन यहाँ पे जो सुकून है ना, मैं बयान नहीं कर सकता कि यहाँ पे जो सुकून है वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, ना कोई आवाज़ पानी की आवाज़ है, और मतलब पत्ते हिल रहे हैं। ओके, सब्जी जो हमारी वो पक चुकी है, जिस तरह आप देख सकते हैं उतार लिए, अभी हम लोग सर्व करने लगे हैं और फिर खा के बताते हैं कि सब्जी किस तरह पकी है। मैंने तो पहले खाई है, जुनैद भाई और बग्गा भाई से एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा है। सब्जी जो है ये मैंने ऐसी सब्जी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई है, इसमें सिर्फ नमक लगा है और हमारे सामने बनी है, ये 2 घंटे के अंदर ऐसी सब्जी तैयार हुई है। इंशाल्लाह मैं कोयटा जाके ज़रूर ट्राई करूँगा, ये बहुत कमाल सब्जी है। बहुत ही ज़बरदस्त था, हम लोगों ने बहुत मज़े से खाया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कुक था, बहुत अच्छा बनाया था उसने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था माशाल्लाह से। ये मैंने अभी से खा रहा हूँ ये। राम जो वो बैठा हुआ है अभी तक खा रहा है, सब लोग उठ गए। राम कैसा खाना था? ज़बरदस्त, बढ़िया, आला, थैंक यू सो मच। खाना खा लिया और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था। मैंने मतलब कि 3 या 4 दिन जो मैं ट्रैवल कर रहा था उसके बाद फाइनली कोई अच्छा खाना खाया और बहुत ही लजीज खाना था। मैं रिकमेंड करता हूँ जब भी आप बलोचिस्तान आएँ बलोची सब्जी आप लोगों ने लाजमी खानी है, और फिर मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी है। तो मैं थैंक यू कहता हूँ शेर जान का, हिबा भाई का, कि हम सबको ये जो है पार्टी दी है, एक तरह की दावत दी है, थैंक यू। और आप लोगों ने जब भी कोयटा आना है मुझसे लाजमी मिलना है, क्योंकि अब मैंने रिटर्न करना है और इससे बड़ी पार्टी देंगे, फिर अगली बार देखेंगे आप उससे बड़ी देते हैं कि नहीं देते। अब ये चैंपियनशिप बन गई है। ओके, ये था व्लॉग तुर्बत का। मुझे पता है मैंने अंदर की सिटी का नहीं बनाया, बाहर बाहर बनाया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और इन लोगों ने बोला कि आपकी दावत करनी है तो आपने लाजमी आना है। तो मैं चाह रहा था कि मैं अंदर का व्लॉग बनाऊँ पर नहीं बना सका, पर यह है कि ये नहीं है कि मैं तुर्बत शहर का व्लॉग नहीं बनाऊँगा, क्योंकि तुर्बत शहर जो है बलोचिस्तान का 2nd लार्जेस्ट सिटी है, तो कोयटा के बाद। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसका व्लॉग बनाने के लिए, वो जो कि बाद में आएगा, 2-3 महीने में आ जाएगा, क्योंकि अब तो मैंने आते रहना है यहाँ पे। तो आई होप कि व्लॉग पसंद आया, अगर व्लॉग पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं तक वीडियो हाथ रखते बनाता हूँ, मुझे लाइक कर दो, फेसबुक पर फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, ट्विटर पर, और मैं तुमसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। बाय कर हमारे, बाय। Off for you, come along and